छिंदवाड़ा में पेंच और कन्हान की कोयला खदान धनकशा और शारदा परियोजना का उद्घाटन कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंटरनेट के माध्यम से रिमोट दबाकर किया। इस दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। छिंदवाड़ा के महत्वाकांक्षी बहुप्रतीक्षित कोयला खदान का उद्घाटन करते हुए कोयला मंत्री ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि यह छिंदवाड़ा जिले के पेंच और कन्हान एरिया के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। धनकशा और शारदा प्रोजेक्ट माइंस खुलने से करीब 5500 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे कोयलांचल की आर्थिक स्थितियाँ बेहतर होंगी। शारदा प्रोजेक्ट और धनकशा के उद्घाटन पर श्रमिक संगठनों और कोल मजदूरों ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार व्यक्त किया। ये न्यूनतम है, हम G11, G12, G13 हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। बस हमारी जो ओपन कास्ट माइनिंग थी जो चल रही थी, बरकोई, शिवपुरी, उर्जन, जो लाइफलाइन थी, वो पिछले 1-2 साल से हम चला नहीं पाए। कारण आप जान रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमारा फेल कर गए, हमने टर्मिनेट करना पड़ा और अभी हम रीटेंडरिंग। अच्छी बात यह है कि अब हम ट्रैक पर आ रहे हैं, हमको नई मायने खोलनी होगी, जो बंद मायने उसको चालू करनी होगी। हमारे CMD साहब जो बराबर सक्रिय रहते हैं, आप सब जानते हो कि वो दिन रात लगे रहते हैं कि वेकोली को किस तरह 1000 करोड़ के प्रॉफिट में लाया जाए। उनको हेडक्वार्टर डबकोल इंडिया से और मिनिस्ट्री से वो बराबर इंटरेक्शन में रहते हैं और आज इसी का फल है कि आप धनकशा माइन को खोल पाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।